नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया फर्स्ट। मैं हूं आपके साथ अभय। फागुन कृष्ण चतुर्दशी को महाशिवरात्रि मनाई जाती है। शास्त्रों के अनुसार यही वो रात थी जब करोड़ों सूर्यों के समान प्रभाव वाले ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान शिव प्रकट हुए थे। इसी के चलते हर वर्ष फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का त्यौहार पूरे विधि विधान के साथ मनाया जाता है। इसे महारात्रि भी कहा जाता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार सती का पुनर्जन्म माता पार्वती के रूप में हुआ था। माता पार्वती चाहती थी कि वे शिव जी को पति के रूप में प्राप्त करें। इसके बाद माता पार्वती ने कठिन ध्यान और साधना करके शिव जी का मन जीता। फिर इसी दिन शिव जी और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। आज महाशिवरात्रि के महापर्व पर इंडिया फर्स्ट न्यूज आपके लिए पूर्व भारत के सोमनाथ कहे जाने वाले भोजपुर मंदिर की कथा लेकर आया है। कैसा है यह मंदिर और क्या है इसका रहस्य, देखिए हमारे साथ। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 23 किलोमीटर दूर भोजपुर गांव की पहाड़ी पर भगवान शिव का एक अधूरा बना मंदिर है। इसे भोजपुर मंदिर कहा जाता है। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है यहां का विशाल शिवलिंग। इस मंदिर का निर्माण परमार वंशीय राजा भोज देव द्वारा 11वीं सदी में करवाया गया था। कहा जाता है कि एक बार राजा भोज बहुत बीमार पड़े। उन्हें सलाह दी गई कि उनकी बीमारी दूर होगी 9 नदियों और 19 तालाबों का पानी पीकर। इस काम के लिए राजा भोज ने बेतवा नदी पर एक बांध बनवाया जिसने बहुत सी छोटी नदियों और तालाबों को जोड़ दिया। इसी बांध का पानी पीकर राजा भोज ठीक हो गए। बस तभी उन्होंने तय कर लिया कि वे दुनिया का सबसे भव्य मंदिर बनाएंगे। लेकिन किसी वजह से यह मंदिर पूरा नहीं बन पाया। शिवरात्रि के उपलक्ष्य पर प्रतिवर्ष यहाँ भोजपुर मेले का आयोजन किया जाता है और आज हम इंडिया फर्स्ट में शिवरात्रि की रात में ब्रह्म मुहूर्त के कुछ एक्सक्लूसिव शॉट आपके लिए लेकर आए हैं। इंडिया फर्स्ट न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड भी करें।